तो आज हम बात करेंगे इस्लाम एंड साइंस के बारे में। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम बात करेंगे इनके तमाम साइंटिस्ट के बारे में, कंट्रीब्यूशन के क्या था। देखें, आज वेस्टर्न जितने भी साइंसदान हैं आजकल, तो वही निकल निकल के उभर उभर के आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ मुस्लिम साइंसदान की, तो मुस्लिम साइंटिस्ट जैसे ये साइंस शुरुआत हुई थी, साइंस की शुरुआत ही मुस्लिम साइंटिस्ट ने की थी। ये अभी हम आगे जाके हम आपको बताएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये अंग्रेज़ जितने भी हैं साइंसदान साइंटिस्ट, ये तो बाद में आए। ठीक है, इनके भी आप कह सकते हैं इनके भी बाप जो हैं वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। तो हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पहले साइंटिस्ट से, अच्छा ये तमाम चीज़ से पहले मैंने एक चार्ट बनाया है। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो यकीन आप इसको याद करें, वरना आपसे आप पढ़ लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये तमाम देख सकते हैं कि ये एक साइंटिस्ट का नाम है अल ख्वारिज्मी। ये तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और इन्होंने क्या क्या चीज़ें इजाद करी, जैसे कि अल ख्वारिज्मी ने लॉगरिथम अलजबरा जिसको कहते हैं, ये इन्होंने इन्वेंट किया था। जैसे कि मैथमेटिशियन थे ये उमर खयाम, और पिन होल कैमरा। इस तरह याद करने के तौर पे आप इस तरह इसको याद करेंगे चार्ट बना के। इब्न अल हातिम एस्ट्रोनॉमर, मेडिकल फील्ड में इनका बहुत बड़ा काम था। अब ये हम आगे चल के इसको स्टडी करेंगे। इब्न सीना कैथेटर ने, कैथेटर एक लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैग की तरह होता है। ठीक है, ये इन्होंने ईजाद किया था। इंजेक्शन सिरिंज जिसको कहते हैं। तो हम बात करते हैं अल ख्वारिज्मी की। तो इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, ही वॉज़ अ फाउंडर ऑफ एनालिटिकल अलजिब्रा, वही लॉगरिथम ईजाद किया था इन्होंने। और इनकी जो क्या कहते हैं, हिसाब हिसाबुल जबर अव्वल मुकाबला, बड़ा ख़तरनाक नाम है। तो ये जो है वो इनकी फर्स्ट बुक थी जिन्होंने ईजाद करी। तो आप याद कर सकते हैं इसको, इन्वेंटेड टर्म लॉगरिथम वही। अच्छा, उमर खयाम के बारे में हम बात करें, तो उमर खयाम वॉज अ प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन। आप इसको सिर्फ इस तरह याद कर सकते हैं कि ये पोइट थे और मैथमेटिशियन थे, जो कि बर्टनर रसेल एक वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इनके बारे में क्या कहा, इनके बारे में इन्होंने ये कहा कि उमर खयाम इज़ द ओनली मैन नोन टू मी वो वॉज बोथ अ पोइट एंड मैथमेटिशियन। इब्ने अल हातिम की अगर हम बात करें, तो ये ही इज़ अ मास्टर पीस वर्क फॉर बुक नेम किताबुल मनाजिर। अच्छा, ये बुक नेम आपको अगर याद करना तो याद कर लीजिएगा, अगर आपका ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो। ठीक है, तो इन्होंने ये बुक जो है वो मतलब ये बुक इन्होंने लिखी थी। इज़ द फर्स्ट कॉम्प्रेंसिव बुक ऑन द लाइट ही डेवलप। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, ये इब्ने अल हातिम ने डेवलप किए थे। और पिन होल कैमरा ख़ास तौर पर इनका मतलब उधम जिसको कहते हैं, पिन होल कैमरा एक फेमस इन्वेंट है इनका, कंस्ट्रक्ट किया था इन्होंने, बनाया था। अब अल राजी की बात करते हैं। अल राजी ने क्या किया था भाई, अल राजी ने 200 ओरिजिनल मोनोग्राफ्स जो थी वो पेटेंट की थी। एंड के अबू रिहान अल बुरानी, अच्छा अल बेरोनी आप कह सकते हैं इसको सिंपल, बहुत लंबा नाम अल बेरोनी ने क्या कहता है, ही इज़ फेमस बुक, इनकी भी एक फेमस बुक थी जो कि लिखी थी इन्होंने, किताबुल कानूनुल मसूदी। ठीक है, ये एक इनकी फेमस बुक थी। ही इज़ कंसिडर्ड एज इंसाइक्लोपीडिया एस्ट्रोनॉमी, इंसाइक्लोपीडिया एस्ट्रोनॉमी में ये क्या कहते हैं इनको, बड़े फेमस थे ये। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी वही स्टार्स वगैरह की जो स्टडी करते हैं, ठीक है, सन की जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमर्स। अलकुंडी, अलकुंडी ने क्या कहता है, रोड मैनी बुक्स ऑन मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी मेडिसन एंड अदर सब्जेक्ट। अलकुंडी का आप इस तरह याद कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी मैथमेटिक्स के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, मेडिसन के ऊपर और बाकी सब्जेक्ट के ऊपर। इब्ने सीना ने क्या किया था, ये फेमस थे और ओरिजिनल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मेडिसन, ये मेडिसन में इन्होंने बहुत काम किया था इब्ने सीना ने, जैसे कि कैथेटर्स, इंजेक्शन जिसको कहते हैं, सिल्वर सिरिंज कहते हैं, ये इन्होंने इन्वेंट किए थे, बाकायदा डिस्कवर किए थे। कैथेटर्स जो होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है
तो इन्होंने ये इन्वेंट किया था और इंजेक्शन भी इन्वेंट किए थे जो कि मेडिकल फील्ड में बहुत काम आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आप अगर याद करना चाहें तो याद कीजिए, अगर आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे आगे।